नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ कढ़ी की रेसिपी। आज जो मैं कढ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इजी तरीका है बनाने का, आपको ज़रूर पसंद आएगा और सभी इस कढ़ी को चाट चाट कर खाएंगे। उसके साथ हम बनाएंगे जीरा राइस जो इस कढ़ी को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज एक ईजी और टेस्टी सी कढ़ी की रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक कटोरी में बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे एक चम्मच, बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, और एक कप बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद से मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा मसाला पाउडर डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। एक बार इन सबको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद से हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डाल के बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे बैटर बना करके रेडी करेंगे। थोड़ा सा हम लोग मोटा ही बैटर रखेंगे, जैसा हम लोग पकौड़े वगैरह के लिए रखते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से हम लोग इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बना लेंगे घोल के। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे हमने कढ़ी पकौड़े के लिए प्याज वाले पकौड़े बनाए हैं, आप चाहें तो बिना प्याज के बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पकौड़े बिल्कुल फ्लफी और गुब्बारे की तरह हो तो आप इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या इनो डाल सकते हो। इसलिए आप गर्मा गर्म तेल में डालकर पकौड़े छान करके रेडी कर लेते हैं। कई लोग कढ़ी पकौड़े के लिए सिंपल बेसन से ही पकौड़े बना करके रेडी कर सकते हैं, तो अगर आप वो बनाना चाहते हो तो आप वैसे भी बना सकते हो। इस तरीके से मैं गर्मा गर्म तेल में डालती जाऊंगी और पकौड़े छान करके रेडी कर लूंगी। उलटते पलटते हुए दोनों साइड से पकौड़े को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े को उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है और कलर भी बहुत ही प्यारा आ गया। अब गर्मा गर्म पकौड़े को तेल में से निकाल करके प्लेट में एक साइड रख लेंगे। यहाँ पे हमारे कढ़ी के लिए पकौड़े तो बन करके रेडी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम लोग एक कटोरी में एक कप बेसन डालेंगे और उसी कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग दही डालेंगे। यहाँ पे मैंने दही खट्टी वाली यूज़ की है, तो अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल वे लम्ब्स ना रह जाए। याद रहे जितना बेसन होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हम लोग दही लेंगे, और मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से मिला लिया है और बिल्कुल वे लम्ब्स नहीं है। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरीके से घोल बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करती जाएंगी और घोल बना करके रेडी करती जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पतला घोल बनाना है, तो थोड़ा और पानी डाल के अच्छी तरीके से घोल बना लेंगे। जैसा कि आपने देखा मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही घोल बना रही हूँ ताकि बिल्कुल भी लम्ब्स ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल पतले से इस तरीके से घोल बना के रेडी कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, एक चम्मच के करीब हम लोग इसमें राई दाना डालेंगे। राई दाना डालने के बाद से हम लोग थोड़ी सी लाल वाली सूखी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से थोड़ा सा जब तेल में चटक जाए सारी चीज़ें, तो एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब यहाँ पे हमारी हल्दी वाली पानी बन करके रेडी है, मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग जो तेल में फ्राई किए हुए थे सारी चीज़ें उसमें हम लोग ये पानी डाल देंगे। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ यूनिक तरीके से आज कढ़ी बनाएंगे, तो अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये सब मिक्स करने के बाद से थोड़ी देर में ये हल्दी पानी भी अच्छी तरीके से पक जाएगा, तब हम लोग इसमें जो घोल बना करके रेडी किए थे ना वो इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पे घोल डाल दिया है, अब हम लोग इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम लोग कढ़ी को लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे से बिल्कुल भी जले ना और अच्छी तरीके से हमारी कढ़ी पक जाए। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, 3 से 4 मिनट में हमारी कढ़ी बढ़िया तरीके से पक जाएगी। कढ़ी पकने के बाद से हम लोग इसमें पकौड़े डालते जाएंगे। ये देखा ना आपने कितना इजी था कढ़ी बनाना। तो इस तरीके से अक्सर मेरी मम्मी कढ़ी बना करके रेडी करती हैं, तो इसलिए मैंने आज आपके साथ शेयर किया ये कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। तो अब हम लोग पकौड़े डालने के बाद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद से थोड़ी देर इसे भी पकने देंगे ताकि बढ़िया तरीके से हमारी कढ़ी पक जाए और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल करके अब हम लोग इसे बढ़िया तरीके से मिला लेंगे और बस थोड़ी देर में हमारी कढ़ी बन करके रेडी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे और ये लीजिए हमारी कढ़ी बन के रेडी है। अब चलते हैं जीरा राइस बनाने की तरफ, जो हमारी कढ़ी को पूरी तरीके से कम्प्लीट करेगी। तो सबसे पहले कुकर में थोड़ा सा तेल डालेंगे, अब 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता और 1 दालचीनी के टुकड़ा,
और हम लोग इसे तेल में डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद ये चटक जाएगा, थोड़ा सा हम लोग करी पत्ता डालेंगे। इसके बाद से मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने पहले से ही धुल करके रख लिया था। अब हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे चावल को और बढ़िया तरीके से तेल में इसे मिला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से मिला। तो यहाँ पे मैंने राइस को भी तेल में बढ़िया तरीके से फ्राई कर लिया है, ताकि सारी खुशबू हमारे राइस में बढ़िया तरीके से आ जाए। अब बस इसमें पानी ऐड कर दी जाएंगे। आप अपने हिसाब से जितना राइस लिए होंगे उस हिसाब से पानी डाल करके हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस इसमें थोड़ा सा हम लोग नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद से अब हम लोग ढक्कन लगा करके इसे सीटी लगा लेंगे और हमारी जीरा राइस बन करके रेडी हो जाएगी। तो ये जैसे मैंने सीटी लगा ली है और हमारी जीरा राइस बनकर के रेडी है, जो हमारे कढ़ी को पूरी तरीके से कंप्लीट करेगी, कढ़ी और चावल। तो हम लोग थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर लेंगे और अच्छी तरीके से हमारा जीरा राइस बनकर के रेडी है। लगभग कई लोगों की पसंद होती है कढ़ी और चावल, तो मैंने आज आपसे अपने स्टाइल में कढ़ी और चावल की रेसिपी शेयर की है। तो अब इसे गर्मा गर्म हम लोग प्लेट में सर्व करेंगे और इंजॉय करेंगे अपनी कढ़ी और चावल। तो ये लीजिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म राइस को तो सर्व कर लिया है, बस अपने कढ़ी में तड़का लगाना बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग एक तड़के पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद से हम लोग इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा चटक जाए तब हम लोग इसमें लाल वाली सूखी मिर्च डालेंगे। तो उसके बाद से हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़े से करी पत्ते। एक बार इन सबको बढ़िया तरीके से चटकने देंगे। उसके बाद से हम लोग इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी तड़का लग के रेडी है। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग इसमें तड़का लगा लेंगे। ये देखिए मज़ेदार से हमारी तड़का लग के रेडी है कढ़ी में। और आपने नोटिस किया होगा कि हमारी तड़का भी कुछ यूनिक स्टाइल की थी, तो तड़का लग के रेडी है। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म कढ़ी भी रेडी है राइस के साथ सर्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म कढ़ी और जीरा राइस। तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे हमारी यमी और एक यूनिक तरीके से कढ़ी और जीरा राइस बनकर के रेडी है। तो इंस्पायर कीजिए गर्मा गर्म कढ़ी और चावल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।